टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले मिल गए हैं दो किंग, एक है शर्मा एक है सिंह। बात कर रहे हैं रिंकू सिंह और जितेश शर्मा, जिनके बदौलत भारत जो है 14 T20 मैच जो है वो जीत पाया, और जीता ही नहीं सीरीज़ भी जो है भारत ने अब अपने नाम कर लिया है, और आखिरी मुकाबला जो है बेंगलुरु में होगा। अब भारत जीते या हारे, भारत ने जो है सीरीज़ अपने नाम कर लिया है। तो बात करते हैं कि इस सीरीज़ में जो है टॉप स्कोरर कौन कौन से रहे हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग में, तो बैटिंग में जो है वो रिंकू सिंह, इनको कोई भी रोल दे दो, फिनिशिंग का रोल दे दो, मिडिल ऑर्डर का रोल दे दो, कहीं भी ये बल्लेबाज जो है ये मैच खेल सकता है। चार मैचों में 99 रन 99 का औसत है, और इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि टीम जो है वो फंसी हुई थी। इसके बाद बात करते हैं तो रवि बिश्नोई, बहुत अच्छी इन्होंने गेंदबाजी करी है, कंगारू को जो है घुटने पे ला दिया, 4 मैचों में 7 विकेट ली है, इकोनॉमी भी बहुत कम का है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव कप्तान, पहले मैच में शतक आया, उसके बाद थोड़े हल्के रहे लेकिन कमाल की पारी आई है, 4 मैचों में 139 रन 34 का जो है इनका औसत है। इसके बाद ऋतुराज, हाईएस्ट रन बनाया है इन्होंने 213 रन, टीम को जहाँ जरूरत थी वहाँ पे जो है ये प्लेयर खड़ा रहा, और औसत भी अच्छा है और अच्छा मैच खेल के दिखाया, और अगले फ्यूचर के लिए जो है बहुत बढ़िया है, और T20 में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अक्षर पटेल, वर्ल्ड कप जो हाल ही हुआ था 50 ओवर का, उसमें इनको जो है चोट लगी थी जिसके कारण ये बाहर हो गए थे, 4 मैचों में जो है इनके 5 विकेट के साथ इन्होंने भी दावेदारी पक्की कर ली है। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है इन पांचों ने जो है अपनी दावेदारी जो है बिल्कुल पक्की कर ली है, और अब देखते हैं 5वां अंतिम मुकाबला बेंगलुरु में भारत जीतता है या नहीं।